powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. किसी भी बीमारी के सफल और सही इलाज के लिए पहले बीमारी की पहचान बेहद ज़रूरी है। बीमारी की पहचान के लिए कई बार मरीज के शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच भी ज़रूरी हो जाती है, जिसमें रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट की अहम भूमिका होती है। अगर हम बात करें रेडियोलॉजी की, तो रेडियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की हाईटेक शाखा है जो विभिन्न रोगों, शारीरिक गड़बड़ियों की पहचान और उपचार में मदद करती है। रेडियोलॉजिस्ट अलग अलग प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके डॉक्टर्स को मरीजों की स्थिति और बीमारी के बारे में बताते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपांशु गुप्ता जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम एक अवेयरनेस पे काम करते हैं और हम मुरादाबाद के डॉक्टर से इस टाइम अवेयर हो रहे हैं कि जो अपने पूरी मेहनत से और पूरी अपने पूरी शिद्दत के साथ पब्लिक को कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी बीमारी को जानने और उस बीमारी को कैसे सही करा जाए, उस बीमारी के बारे में बेहद हद तक डॉक्टर को कैसे बताया जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसी चीज के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सर। सर, जैसा हमने देखा कि आप एक रेडियोलॉजिस्ट है और मुरादाबाद में आपका वरदान रेडियोलॉजिस्ट वरदान डायग्नोस्टिक्स। अच्छा सर, ये कहाँ पे है वैसे? ये लाजपत नगर में है, ईदगाह का चौराहा है। ईदगाह के चौराहे से जस्ट राइट लेके फर्स्ट अस्पताल। वो सर काफी पुराना आपका मतलब है, इसको 32 ईयर्स हो गए। तो सर, यहाँ पे जो डायग्नोसिस सेंटर है, तो यहाँ पे बेसिकली आप करते क्या है? मतलब सर, हम लोग यहाँ पे पैथोलॉजी करते हैं, रेडियोलॉजी में हम लोग एक्सरे है। सर, आपके अलावा जैसे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपने पैथोलॉजी का, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट तो पैथोलॉजिस्ट नहीं होता। हाँ, रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब पूरा सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर में दोनों पार्ट है और मेनली रेडियोलॉजी में हम एक्सरेज करते हैं। एक्सरेज के साथ उसके जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे HSG, IVP, बेरियम स्टडीज करते हैं पेट देखने के लिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड आजकल तो पूरी बॉडी का ही होने लग गए हैं, हर ऑर्गन पार्ट के अल्ट्रासाउंड होते हैं। इसके अलावा कलर डॉप्लर्स होते हैं ब्लड फ्लो देखने के लिए। अच्छा। कि कौन से ब्लड और कौन से ऑर्गन में ब्लड फ्लो कितना मिल रहा है। अच्छा। कलर डॉप्लर्स होते हैं। इसके अलावा मैं इंटरवेंशन भी करता हूँ, जैसे लिवर एप्सिस बन जाती है, लिवर में आपके मवाद बन जाता है। अच्छा। या फिर छाती में पानी आ जाता है या पेट में पानी आ जाता है। अच्छा। तो हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसकी तरफ देखते हुए उस लीजन को फोकस करते हुए फिर पानी खींच लेते हैं। अच्छा। तो हमारी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी दोनों बढ़ जाती है उसके लिए। अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली ये है कि मतलब आप एक रेडियोलॉजी का जो भी पार्ट होता है वो सारा आप वहाँ पे कवर करते हैं? अभी नहीं कर रहे हैं सर, 2 महीने में। एक गुड न्यूज है कि हम लोग CT और MRI दोनों लॉन्च कर रहे हैं। हमारी दिल्ली रोड वाली ब्रांच में रिसर्च करी, उसमें पता लगा कि अभी भी 1-2 महीने में आपका हाँ जी हाँ सिटी सेंटर में मतलब हाँ जी हाँ जी सिटी फिर एक MRI स्टार्ट हो रहा है, फिर एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर हो जाएगा, एवरीथिंग अंडर द रूफ। अच्छा, बस CT MR है, 2 महीने के अंदर आ जाएगा। सिटी और MRI होते क्या है, मतलब ये दोनों अलग चीज है या दोनों एक ही चीज है? सर, दोनों अलग चीज है। सिटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अच्छा। और MRI की होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा। तो सर, इसमें दोनों की एक सी मशीन है? सर, मशीन एक सी होती है, MR की मशीन काफी बड़ी होती है। अच्छा। हाँ, उसकी मशीन बड़ी होती है और दोनों के कराने के इन्वेस्टिगेशन के रीजंस अलग अलग हैं। अच्छा। हम CT में अलग चीजें देख पाते हैं, MRI में अलग चीजें देख पाते हैं। जैसे कहा जाए कि भाई सिर में किसी के दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, तो वो कहता है भाई MRI करा लो सिर का या CT स्कैन करा लो। सर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन CT होता है कि पहले हेडेक का इन्वेस्टिगेशन पहले आप CT करा लीजिए। अगर CT नॉर्मल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें कोई फाइंडिंग आती है तो MRI उसको उसकी डिटेल स्टडी कर लेता है। किसी चीज की जो डिटेलिंग होनी है वो MRI में होनी है। और अगर जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, मसल्स का होता है, तो सॉफ्ट टिश्यूज अपना CT इतना नहीं पकड़ पाता है। अच्छा, उसके लिए आपको MRI ही कराना पड़ता है। तो सर, दोनों प्रतिक्रियाओं के अंदर ही वो मशीन के अंदर मशीन में अंदर जाना पड़ता है, ये है। CT में इतना नहीं जाना पड़ता, लेकिन MRI में होता है कि थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। और कुछ कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया की बीमारी होती है, दम घुट जाता है, मतलब वो बीमारी नहीं कहूंगा, दैट इज अ नॉर्मल वेरिएंट।
काफी लोगों को होता है जैसे ऊंचाई से डर लगता है कुछ लोगों को, अच्छा। तो ऐसे ही उनको थोड़ा सा लगता है कि सुरंग वाली फीलिंग आती है, बट आजकल जो हम लोग नई मशीन आ रही है वो काफी अच्छी है और उसमें इतना फील नहीं होता कि आप सुरंग में जा रहे हो। प्लस हमारा जो हमने रूम डेवलप कराया वो काफी बड़ा है, उसकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया थोड़ा कम रहता है, अच्छा। और उसके इंटीरियर्स भी इस तरीके से करा रहे हैं कि आपको ग्रीनरी और थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगेगा, अच्छा। जिससे आप क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है वो एक मतलब थोड़ा सा वहमी है, दर्द मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं नुकसान कुछ नहीं है, पेशेंट को वहाँ पे स्टिल होके लेटना पड़ता है और फॉलो ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि टेक्नीशियन वहाँ पे आवाज आ जाती है कि आपको सांस रोकनी है, सांस की अच्छा, उसके अंदर ही आवाज आती है। हाँ जी हाँ जी, उसी के अंदर आवाज आ जाती है। मशीन में जाती है ना, आदमी को वैसे ही डर लग जाता है, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा मशीन में डाल दिया, पहले से ही थोड़ा डरा होता है एमआर के नाम से, वैसे ही डर जाता है। इट इज़ ए एक्सपेंसिव टेस्ट और प्लस सुरंग भी है थोड़ी सी, लगता तो है ही सर, ये तो है। तो और सर अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई जब मशीन के अंदर बंदा जा रहा है तो फिर तो वो पूरी बॉडी का हो रहा है, खाली पार्ट का कैसे हुआ कि आपने कहा जैसे भाई सिर के लिए गया हो, सिर का हेड का करना था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मशीन में तो पूरा ही बंदा गया, मशीन में हाफ बंदा जाता है, हम लोग इधर तक ले जाते हैं, अच्छा। और उसके अलावा है कि हम लोग कॉइल्स होता है उसमें, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो उसमें क्या है कि मैग्नेट के थ्रू हम लोग कॉइल लगाते हैं, मैग्नेट प्रोड्यूस करता है और एक कॉइल से हम उसकी रेस कैच करते हैं, तो कॉइल जिस पार्ट पे लगानी होती है, हेड होती है तो हेड के चारों तरफ कॉइल हो जाता है, अच्छा। या फिर अगर स्पाइन होनी है तो स्पाइन के पीछे कॉइल हो गया, तो उसके थ्रू करते हैं। पूरे बॉडी का एमआर भी होता है, अच्छा। फुल बॉडी एमआर काफ़ी कॉमन है, पंजाब साइड में काफ़ी कॉमन है, अच्छा। क्रेज है लोगों को कराने का, तो होता है फुल बॉडी एमआर भी है। तो सर कोई अगर जैसे आप अपने मतलब रूटीन चेकअप के तौर पे अगर कोई कराना चाहता है तो वो आपके सेंटर पे आके रूटीन चेकअप भी करा सकता है? रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है सर, हेल्थ पैकेजेस हैं उसमें ये है कि देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप कोई रोकथाम को जल्दी से पकड़ लेते हैं तो आपका ये है कि बाद में दिक्कत होने के चांसेस, डिजीज़ का प्रोग्रेशन आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया मेडिकल फील्ड में कि उसे रोक दिया जाता है उसे पहले ही, अर्ली डायग्नोसिस इज की टू गुड पेशेंट मैनेजमेंट। अपने बच्चे के लर्निंग एंड एक्वायरिंग मेथड का पता लगाएं मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। तो इसलिए हेल्थ पैकेजेस बहुत ज़रूरी हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं, हाँ। तो उससे लंग्स आपका सारा पता चल जाता है, यूएसजी एब्डोमेन कर लेते हैं तो उसमें सारे बॉडी पार्ट जितने हैं, लंग, लिवर, किडनीज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, वो सब आपका देख लेते हैं हम लोग, और साथ में उसके बाद हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे कि आप वो स्पेसिफाइड पर ऑर्गन के हिसाब से होते हैं, किडनी का है तो KFT करा लिया, लिवर का है LFT करा लिया, तो वी गेट ए कम्प्लीट ओवरऑल पिक्चर कि आपकी बॉडी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सर उसके रिलेटेड अगर मान लीजिए किसी का कोई फंक्शन कुछ खराब आ रहे हैं, हाँ जी, या उसके कुछ एक्सरे खराब आ रहे हैं, हाँ जी, तो आप उसको बहुत हद तक समझा भी देते होंगे कि भाई अगर उसे डॉक्टर की बगैर मतलब थोड़ी बहुत दवाई से आपकी काम हो जाए। सर काफी सारी चीजें हैं जो कि बिना दवाई के भी चीज सही हो जाती है, अच्छा। अब फैटी लिवर है जैसे आता जी, है जी। तो या फिर कॉन्क्रीशन आ जाते हैं किडनीज में, तो ये सब आप लाइफस्टाइल चेंजेस इतने सारे जरूरी हो गए हैं सर करने, कि लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि बहुत मुश्किल हो गया है, सब ऑयल वगैरह ये सब हो रहा है, तो वो आप हम लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोल देते हैं, बट एज सच वी डोंट प्रिस्क्राइब ड्रग्स, वी रेफर टू द क्लिनिशियंस। पर अब जैसे आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो फिर आई गाइड यू कि यार आप किडनी के डॉक्टर के पास चले जाओ, आई गिव यू 2-3 नेम्स, वट एवर डॉक्टर यू लाइक एंड यू चूज, आप उसे जा सकते हो, आपको मतलब एक रास्ता दिखा सकते हैं, हाँ। आपकी ये और बहुत हद तक उसे सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, हाँ, सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है, इतनी घबराने की चीज नहीं है, थोड़ा सा आराम से दिखाओ, जो भी रिपोर्ट है हम रिपोर्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि सर हमारी एक्चुअली थोड़ा टीम जैसे रिसर्च कर दी है किसी, हाँ जी, हाँ, जो भी हमारे शो पे आते हैं, तो जैसे ये देखा कि जब आपके यहाँ कोई बंदे ने अगर एक थेप हुई, मतलब मैं नाम तो नहीं कर पाऊंगा उनका शेयर, तो जैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी चीज कराई तो आपने उन्हें बड़े अच्छे से समझाया, और उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब ने जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो उन्होंने मेरा बातों बातों में मेरा समझा दिया कि कुछ नहीं, और वो बड़ा उन्हें को आराम मिला, तो सर ऐसा होता है सर, मन का वहम है, देखिए अगर मन का वहम निकालना भी तो बहुत जरूरी है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अब छोटे मोटे पेन से एज के साथ होते रहते हैं, यू हैव टू लिव विद इट, बट ये नहीं है कि आप हर चीज के लिए दवाई खाते फिर हो, दवाई भी तो सर कोई अच्छी चीज थोड़ी है कि आप हर चीज़ के लिए इतनी दवाई खाने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, आप वॉकिंग शुरू कर दें, आप हेल्दी हो जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो इट इज़ गुड, आपको डिजीजेज से आप थोड़ा दूर रहेंगे, डिजीज का प्रोग्रेशन कम होगा, लेकिन सर हॉस्पिटल में भी तो जाना पड़ता है,
सर बिजनेस तो अपनी जगह है, बट ये है कि आप अच्छी राय दो ना तो फिर पेशेंट दोबारा आता है और फिर पेशेंट किसी को कहता है तो उसकी वजह से बिजनेस हो जाता है। बिजनेस तो करने सब सभी कर रहे हैं सर। जी सही बात है, कुछ भी करेंगे तो थोड़ा। अब हमारी सर मशीन्स इतनी एक्सपेंसिव हैं, अब मैं इतनी हाई एंड मशीन से अल्ट्रासाउंड से काम कर रहा हूँ, मैं मशीन इज 35 लाख रुपीज़ ओनली एंड दैट विल यू नो 5 साल के बाद उसको बाय बैक में 2 लाख रुपये की जाएगी वो। अब मुझे तब 5 साल के बाद आई हैव टू री इन्वेस्ट एंड अगेन बाय अ मशीन। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हमारे साथ है, ये हमारी थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन सर मेन चीज़ है आदमी पैसा भी खर्च करे लेकिन अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है सर। लेकिन अगर डॉक्टर से वो सेटिस्फाई हो जाता है, डॉक्टर से अच्छी राय दे देता है, बिल्कुल सर। क्योंकि पहला स्टेप मैं समझता हूँ जैसे किसी को अगर कोई बीमारी अपनी डायग्नोज करता है, स्वयं डायग्नोज करता है, तो उसको शायद सबसे पहले स्टेप आ दिया मेरे सपोज की पथरी हो रही है जैसे नॉर्मल आज की तारीख में, तो वे रेडियोलॉजिस्ट पर जाता है कि सर मैंने अल्ट्रासाउंड कर दिया, तो वो अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर साहब बता देते हैं कि भाई अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, छोटी नहीं है, पानी पी लो, पानी दवाई पी लो, है ना, नॉर्मल सर। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी तरफ से लोगों को मिल जाता है। ये सर जरूरी भी है, देखिए काम करने बैठे हैं लेकिन एक ये हमारा ऐसा बिजनेस नहीं है। इट इज़ लाइक मतलब इसमें जितना जॉब सेटिस्फेक्शन इस काम में मतलब जितना मुझे फील होता है और मेरे फेलो डॉक्टर्स फ्रेंड्स को फील होता है, इतना बहुत कम कामों में हो पाता है। वी आर एक्चुअली हेल्पिंग समबडी, सो इन रिटर्न हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। हाँ सही बात है, वो किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ देता है, और बाकी जब हम अच्छा करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। बिल्कुल सर, यही है। तो अगर आपके साथ जैसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको लगा होगा कि यार ये तो मैंने मतलब कुछ ऐसा कमाल कर दिया है, मतलब बंदा अल्ट्रासाउंड कराने एक्सरे कराने आया था और उसकी उससे मतलब इतना खुश हो गया कि मतलब उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके पास ही खुश हो गए सर। बहुत खुश होते हैं आजकल, आपसे ये बात कर सर कहते रहते हैं। मेरा एक्चुअली में मैं 4D पे भी काम करता हूँ, अल्ट्रासाउंड में आजकल काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ गए हैं। अच्छा। हम अभी तक 2D में काम करते थे, दैट इज़ लाइक नॉर्मल, लेकिन अब 3D आ गया है, 4D आ गया, तो 4D में हम बच्चों की लाइव फ़ोटो और बच्चों के लाइव पार्ट्स हम उसको बिल्कुल आपको फोटोजेनिक करके दिखा देते हैं। अच्छा। तो वो देख के बड़ा खुश होते हैं पेशेंट्स। फीटल फेस आपको दिख जाए, अपने बच्चे का फेस पहले दिख जाए, तो वो एक खुशी बड़ी अच्छी है। जैसे आप दिखा देते हैं तो इनकी सर जो रेज है उसका कोई असर तो नहीं होता बच्चों? अल्ट्रासाउंड में सर कोई रेज का, इट इज USFDA से अप्रूव्ड है अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी नॉर्मली। ये केवल अल्ट्रासाउंड वेव्स है 0 to 20,000 megahertz की, ये रेज है। अच्छा। तो इन रेज से सर देर इज नो डैमेज, वी जस्ट रेज जाती हैं, रेज वापस आती हैं, उससे एक इमेज बनती है, उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो जो खुशी, वैसे तो हमारा काम थोड़ा सा दुख देने का है क्योंकि हम रिपोर्ट में कुछ देते हैं और पेशेंट दुखी हो जाता है, लेकिन एक चीज़ है कि फीटल अल्ट्रासाउंड जो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट गिव्स यू वेरी मच हैप्पीनेस। एकदम लाइव बेबी दिखता है, पेशेंट खुश हो जाता है, उसको 4D इमेज मिलती है, हम उसके प्रिंट लेके भी देते हैं, सारे इमेजेस देते हैं और अच्छा रहता है। पेशेंट इज वेरी हैप्पी जब उसको फीटल फेस दिखता है, वो बहुत खुशी मिलती है। आज तो न्यूली पेरेंट्स ये भी इसके लिए कह रहा हूं, डिमांड करते हैं सर, एल्बम डिमांड करते हैं, सीडी में डिमांड करते हैं, सीडी सर्विस भी देते हैं, सीडी में भी दे देते हैं। फीटल का हार्ट जो है हम 4D में बना के उसको 4D में रोटेट करा देते हैं, लेकिन आजकल इतने सारे एडवांसमेंट्स हो गए हैं कि पहले से ही अगर हमें पता हो कि ये डिजीज है तो स्पेसिफाइड पीडियाट्रिक जो सर्जरी है दैट हैज बिकम वेरी गुड नाउ। तो काफ़ी हमें पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि हमें इस चीज़ का ऑपरेशन यहाँ कराना है, तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके पहले से उसको देख लेते हैं और फिर उसका अनुभव है। बहुत हमारे फील्ड में मुझे जो अच्छा सबसे अच्छा काम लगता है दैट इज 4D इमेजिंग इज वेरी नाइस। तो सर वैसे आपकी जो मतलब अगर कोई आपसे मिलना चाहे या तो आपके टाइमिंग जैसे आपने बताया मेरे 2 सेंटर हैं। हाँ जी सर। तो आप दोनों सेंटर पर टाइम को डिवाइड कर रखा है या सर? टाइम डिवाइड भी कर रखा है जी, और हम लोग सुबह 8 बजे 7:30 बजे मैं अपने पहले सेंटर पहुंच जाता हूँ दिल्ली रोड पे। अच्छा दिल्ली रोड पे। हाँ जी सर, वहाँ पे 10 o'clock तक रहता हूँ। रोड पे किधर है आपका सेंटर? सर मेरा स्प्रिंगफील्ड स्कूल है चौधरी चरण सिंह चौराहे पे। जी जी अच्छा। स्प्रिंगफील्ड स्कूल के बिल्कुल सामने मेटल वर्ल्ड और ICICI का बैंक है। अच्छा अच्छा। उनके बीच वाला प्लॉट है हमारा। अच्छा उसके बीच वाला। अच्छा। तो ये सर कब से आपने? ये मैं 3 महीने हुआ है सर मुझे खोलने में। अच्छा, 3 महीने। यहाँ पे आप 8 बजे से ये सेंटर खुल जाता है? सुबह 10 बजे तक बैठता हूँ और वैसे दिन भर रनिंग रहती है। अच्छा। एक्सरे अल्ट्रासाउंड होते रहते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए मैं 2 बजे वापस आता हूँ। तो उधर दूसरे वाले सेंटर में भी मेरे अल्ट्रासाउंड एक्सरे सब होते हैं। लेकिन सर बहुत सी जगह ऐसी होती है ना कि भाई जो पेशेंट आप कह रहे हो तो आपके नाम से आ रहा है सर, सेंटर में इतना नहीं होता,
डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर में इट इज़ ए टीम वर्क। हम हर चीज़ अब CTMR होगा तो एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल पर्सन, यू नीड ए टीम। तो उसके लिए आजकल इतना वो भी हो गया है CTMR का कि यू नीड रिपोर्टिंग। अब मैंने जो रिपोर्टिंग का सोचा है कि आप मस्क आजकल ना सर MR हो या CT हो उसमें भी इतना डिविजन्स हो गए हैं, हेड अलग हो गया, स्पाइन अलग हो गई, जॉइंट्स अलग हो गए, आपके सॉफ्ट टिश्यूज अलग हो गए, प्रोस्टेट अलग हो गया, आईज अलग हो गया, तो उसके स्पेशलिस्ट आजकल अलग हो गए हैं। कि हेड है तो अच्छे न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट से कराते हो जिसके पास DM की डिग्री है, तो वो ही सबसे अच्छा करता है, वो ही करता है। अच्छा, तो हम लोग ऐसे कराएंगे, टेली रेडियोलॉजी होती है। अच्छा, टेली रेडियोलॉजी से हम यहाँ से इमेजेस भेज देते हैं एंड देन दे रिपोर्टेड बैक। क्या आपका बच्चा विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्रेन वेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अब स्पेशलाइज्ड हो गया है, जैसे कि आप और ब्रांचेस में देखिए, पहले फिजिशियन सारी चीज़ें देख लेते थे, बट अब देखिए हार्ट के अलग हैं सर, किडनी के अलग हैं, न्यूरो के अलग हैं। तो इट हैज़ हैपेंड टू रेडियोलॉजी ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी फास्ट चेंजिंग ब्रांच, बहुत जल्दी चेंज हो रही है, इतनी जल्दी हमें अपनी मशीन बदलनी पड़ जाती है। 4-5 साल उसके EMI देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा मशीन खरीदते हैं, फिर EMI देते जाते हैं। तो सर इसकी EMI क्या सब्जेक्ट्स पेशेंट से लेनी है क्या? पेशेंट से तो नहीं सर, जो फीस है अपनी फीस से जाती है, हम अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं करते जितने की मशीन ऊपर अपना खर्चा करते हैं। सही बात है। अब जो CTMR प्रोजेक्ट लग रहा है, 14 टन AC चाहिए सर उसे, 14 टन्स ऑफ AC एंड उसमें से अप्रॉक्स 7 टन्स हैं जो कि 24 आवर्स चाहिए। अच्छा, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़ क्योंकि जो ये चार्ज दिख रहा है 6,000 रुपये या 5,000 रुपये, तो हमें भी सर बहुत ज़्यादा 2.5 लाख रुपये आप मान लो सर केवल तेल और बिजली जनरेटर का खर्चा है। सही बात है, सही बात पर मंथ का। मतलब एक तरीके से आप खाली अपना एक्सपेंसिव बीट आउट कर पा रहे हैं और एक समाज सेवा ही चल रही है। समाज सेवा ही चल रही है सर ये। अब गवर्नमेंट में इतना नहीं हो पा रहा है तो इसकी वजह से प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को अनलेस दे वोंट स्टेप अप। वैसे आपका तो मतलब जैसे आपकी मम्मी डॉक्टर चंचल गुप्ता जी और फादर जो है डॉक्टर PK गुप्ता जी, हां जी, वो तो एक रिनोन पर्सनैलिटी है मुरादाबाद। हां जी सर, काफी पुराना काम। जी जी जी, तो वो तो मतलब वैसे ही है कि भाई वो तो फेमस है इस चीज के लिए कि वो मतलब बहुत अच्छे से पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मम्मी पापा ऐसे तो बच्चे तो ऐसे सही होंगे। नहीं सर, उनके फुटस्टेप्स में ही कोशिश कर रहे हैं सर। मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है सर। अच्छा, वो भी मेरे साथ ही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो किधर सर? उनका भी लाजपत नगर में ही हमारा। अच्छा, जो हॉस्पिटल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे हम लोग 50-bedded हॉस्पिटल नेक्स्ट ईयर तक हमारा बन जाएगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर सब कुछ एक ही प्रिंट कर दिया आपने, कहीं और जाने का मौका ही नहीं दिया किसी को? नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को हर चीज़ के लिए दोबारा भागना ना पड़े। कॉर्पोरेट कल्चर इतना अच्छा आ गया है कि सर सारे डिपार्टमेंट्स आपके एक ही हॉस्पिटल में होते हैं, तो पेशेंट डजंट हैव टू रन। अच्छा सर, कोई ऐसी मशीन भी है या कोई ऐसी टेक्निक भी है जिससे मतलब ऐसा मुझे पता है, मतलब कहीं सुना है मैंने, कंफर्म तो नहीं कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को इस प्रॉपर पार्ट में इसकी परेशानी है, इस बंदे को कुछ ऐसा कुछ? सर ग्रॉसली तो ऐसा देखो, मशीन अगर आप बात करो तो एक मशीन होती है PET CT करके आती है। अच्छा, हाँ, पॉजिटिव एमिट्रॉन टोमोग्राफी करके है वो। अच्छा, उसमें हम रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, और रेडियो आइसोटोप के थ्रू हम उसका मेजर करते हैं, एक्टिविटी मेजर करते हैं, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर आप बोलें तो। लेकिन वैसे सर हमारी फील्ड इतना, ह्यूमन बॉडी सो कॉम्प्लेक्स, आप देख लो हड्डी इतनी सारी हैं सर, तो इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स, तो पर ऑर्गन आप देखना चाहो तो पर ऑर्गन अलग अलग ही हो सकता है। अच्छा, कि फिजिशियन से हो जाए एक बार रेफरेंस करा के डॉक्टर ही बता सकता है कि सर कौन से आपको ऑर्गन की स्पेसिफाइड करानी है, बट एज ए होल बॉडी करें तो फुल बॉडी अगर आप PET CT कराते हैं तो चांसेस हैं सर। अच्छा, हाँ जी, डिजीज अर्ली प्रोग्रेशन पकड़ने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, बट नॉट फॉर ऑल। तो दोस्तों आपने सर को सुना और सर ने बहुत अच्छी चीज़ की हमें जानकारी भी दी, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराया करें। सर के पास डायग्नोसिस सेंटर भी है और पैथोलॉजी सेंटर भी है,
इसमें सर अल्ट्रासाउंड सारी चीज बड़ी अच्छी चीजें बताई सर ने, और किसी को भी अगर कोई जानकारी लेनी है तो सर वो आपसे कहां किस नंबर पे आपको कॉल कर सकता है? 7500666654 ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये हमेशा ऑन रहता है। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपने जो सर ने नंबर दिया बात भी करना चाह रहे हैं तो सर से कभी बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे शो पे आए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।